जयाध्याशक्ति मा जयाध्याशक्ति। पंचमे पंच ऋषि पंचमे गुण पद्म पंच तत्वों त्या सोहिए। ये सारी सृष्टि किससे बनी हुई है? पंच महाभूत से बनी हुई है, पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश। ये किसी के बाप के नहीं है, किसी के घर के नहीं है, बस उसके अपने बना लो। और यही है शक्ति रूपेण, ये शक्ति रूप स्वरूप है। और एक शक्ति जो आपको दिखती नहीं है, अरूपी है, आपको नहीं दिखती है यहां पर। और एक स्वरूप है, स्वरूपात्मक शक्ति जो है पंच तत्व है। कौन से पंच तत्व? पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश। तो ये दोनों स्वरूप, एक दृश्य स्वरूप एक अदृश्य स्वरूप। हाँ, आह्वान कर ले तू इस नवरात्रि के मौके पर, इस आरती आरती करते हुए उसका आह्वान कर। दिस इज मॉल, यू हैव टू जस्ट वेलकम दैट। एंड वंस यू वेलकम विथ योर ओपन हार्ट, विथ फुल ऑनेस्टी एंड ईमानदारी, इट इज गोइंग टू बिकम योर्स। तो इस नवरात्रि के अंदर यही सीखना है, ईमानदारी, वफादारी टूवर्ड्स होम, लॉ ऑफ नेचर, ईश्वर। द मोमेंट यू बिकम दिस ऑनेस्ट, तो नवरात्रि के अंदर इतना ही करना है। क्या करना है? सबसे मैत्री, सबको उपयोगी बनना है, एंड बिकम पार्ट ऑफ दिस नेचर। एंड ऑलवेज रिमाइंड योर सेल्फ, मैं सृष्टि का अंश हूं, ये सारी सृष्टि मेरा परिवार है, इस ये पूरे ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड मेरा परिवार है। मेरा परिवार ये नहीं चार दीवार के बीच में जो रहता है। मेरा परिवार सारा ब्रह्मांड है। एंड थिंक कॉस्मिकली, कम आउट फ्रॉम योर माइक्रो एंड मैक्रो इमेजेस एंड बी कॉस्मिक, पार्ट ऑफ कॉस्मोस। एंड कॉस्मोस यानी ये पूरा ब्रह्मांड। जैसी हमारी ये वृत्ति और विचारधारा एक्सपांड होने शुरू हो जाएगी, उस प्रकार का आपको रिफ्लेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कॉस्मिक रिफ्लेक्शन। षष्टि तु नारायणी महिषासुर मारियो। अभी क्या बोला? ये जो अगर आप ये पांच पद को आपके जीवन गत बना लिया, महिष और असुर, महिष यानी नेगेटिविटी, असुर यानी वन लेवल हायर, तो ये महिषासुर स्वरूप आपके अंदर जो स्वरूप है उसको खत्म करने का तरीका ये ही है। महिषासुर मारियो। नर नारी ना रूपे व्याप्या सगड़े मां। क्या बोला? महिषासुर मारियो नर नारी ना रूपे व्याप्या सगड़े मां। याने ये महिष कहां बैठा है? हर नर नारी में बैठा है। आपकी दृष्टि अगर महिष पे पड़ती है तो आप गए काम से। असुर हमारी दृष्टि हमेशा कहां पड़ती है? लोगों की कमजोरियों में, नेगेटिविटियों में। हाँ, बस यहां से ध्यान हटा लो, फोकस ऑन गुण। तो यहां इस अगर तुझे नारायण बनना है तो क्या करना है? ये कॉस्मोस में से क्या करना है? हीरा पारखू बनना है। और यहां पे जो भी शक्तियां हैं उसके अंदर से महिष आसुरी शक्ति को फिल्टर करके जो शक्ति उपयोगी बनती है अपने को उजागर करने के लिए, वो शक्ति को फिल्टर करके ग्रहण कर।
सप्तमी सप्त पाताल सावित्री साध्यमा गौ गंगा गायत्री गिरी गीता मा। यानी ये अभी सप्त पद में क्या कहते हैं, ये नवरात्रि यानी दुर्गा की सप्तशती। मैंने बताया था चंडी पाठ यज्ञ किया जाता है, माँ दुर्गा के 700 स्वरूप का वर्णन होता है और उस 700 स्वरूप में ये जो मैं वर्णन कर रहा हूँ ये उसका सार है। और उस सार में से हमें करना क्या है, सिंपल बात ये है उसका गीत गुंजन गाते रहे, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मन मंजिल है, कहीं भी तेरे रहते कहीं भी तेरे कहीं बीते रहे रातें कहीं बीते रहे, ना नहीं बोलना है क्योंकि ये फ्लो है, वो तो बेचारा दुखी है उसलिए वो बोल रहा है। हमें क्या बोल रहा है, कहीं बीते रहे रातें कहीं बीते रहे दिल, गाता रहे मेरा दिल। क्या गाना है, क्या गाना है, है क्या गाना है, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, सारी सृष्टि मेरा परिवार है,
स्वतंत्रता को प्रभु कृपा से लाया हूँ। तीन प्रकार स्वतंत्रता को प्रभु कृपा से लाया हूँ। तीन प्रकार की स्वतंत्रता को प्रभु कृपा से स्वतंत्र निर्णय स्वतंत्र अमल करने आया हूँ। स्वतंत्र विचार स्वतंत्र निर्णय स्वतंत्र अमल करने आया हूँ। मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी बीष्ट का शक्ति माँ जय आध्या शक्ति अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या भड़वे पंडित माँ। ओ तमिता मा तमिता